एडोब लाइट रूम ओपन करने का आप देख सकते हैं, साइड में आपको प्रीसेट का ऑप्शन लगेगा यहाँ पर, ये माय प्रीसेट पर क्लिक करें, यहाँ रिकमेंडेड और प्रीमियम दोनों ऑप्शन है, आप जाएंगे योर्स में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के नाम से एन एफ के पिक्चर्स के यहाँ कितने सारे प्रीसेट पड़े हुए, ये सारे प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा, और ये तरह तरह के प्रीसेट हैं, मैंने हर तरह के प्रीसेट बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे खतरनाक प्रीसेट होते हैं, आप कोई भी तस्वीर लगाएं वो एकदम बढ़िया बन जाती है, क्लैरिटी के साथ मैंने सही तरह के प्रीसेट बनाए यहाँ पे, यहाँ पे टोटल 32 प्रीसेट हैं। अब ये प्रीसेट के लिए आपको जाना पड़ेगा जेड आर्चीवर ऐप में, मैं आपको एक फाइल दूंगा जिसकी डाउनलोडिंग आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पर जेड आर्चीवर पे आना है और सर्च के ऑप्शन में वो फाइल सर्च करने नाम होगा एन एफ के पिक्चर, आप सर्च करें, आप जैसे सर्च करेंगे मेरी फाइल आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और जैसे मुझे मिली है ये एन एफ के पिक्चर, मैं इसको करूँगा कंप्रेस, आपको यहाँ पासवर्ड टाइप करना है, पासवर्ड आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, पासवर्ड लगाने के बाद आप ओके दबा दें, फिर से आप ओके दबाएं और ये हमारी फाइल वहाँ एक्सट्रैक्ट हो गई जहाँ आपने की है। नेक्स्ट आप आ जाए फाइल मैनेजर में, अब जहाँ मैंने इसको रखा है फोल्डर में वहाँ हो चुकी होगी, मैंने इसको फोल्डर में नहीं, मैंने इसको बाहर डेस्कटॉप पर रखा, ये रहा फोल्डर सामने एन एफ के पीछे प्रीसेट्स, ये सारे प्रीसेट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप फिर से चले एडोब लाइटरूम में, आप अपनी तस्वीर इंपोर्ट कर लें कोई भी, इंपोर्ट करने के बाद आप फिर से वही सेम ऑप्शन में चले जाएं, माय प्रीसेट के ऑप्शन में चले जाएं, माय प्रीसेट के ऑप्शन में जाने के बाद आप चले जाएं, आप देख सकते हैं मेरे ये यहाँ पर प्रीसेट पड़े हैं, और यार्स में आप देख रहे हैं साइड में T3 डॉट आइकोन है, ये आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और लिखा होगा इम्पोर्ट प्रीसेट, ये रहा, यहाँ मुझ सारे प्रीसेट इंपोर्ट करें, ये मेरा पहले फोल्डर खुला हुआ है, आपके पास ये ऑप्शन होगा, अपने फ़ोन में जाएं वो फोल्डर सर्च करें और वो प्रीसेट का फोल्डर खोलें, आप किसी एक पे प्रेस करें, ऊपर चले या 3 डॉट में और सेलेक्ट ऑल कर दें और सारे इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट करने के बाद थोड़ी देर में फोल्डर आ जाएगा, देख सकते हैं आप मेरा एन एफ के पिक्चर्स का फोल्डर आ चुका है, एन एफ के पिक्चर पर आप क्लिक करें, अब देख सकते हैं ये बड़े कमाल मैंने बना, अब ये किसी भी तस्वीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं ग्रीन ट्री पीछे तभी मेरा कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप किसी भी तस्वीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आपको प्रीसेट कैसे लगे और अगली वीडियो में कौन सी बनाऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।